सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में निशान की यह कार आपको दिखेगी। निशान इंडिया भारत में जल्द अपनी कार लॉन्च करने वाली है, जिसका कंपनी ने टीज़र वीडियो भी शेयर कर दिया है। फ़िलहाल कंपनी ने घोषणा की है कि आने वाले आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए नई किसान किक्स ऑफिशियल कार होगी, जिसे 30 मई से 14 जुलाई 2019 तक आयोजित किया जाएगा और इंग्लैंड और वेल्स द्वारा आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड कप की ऑफिशियल कार के रूप में निशान किक्स 8 प्रमुख शहरों में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी लेकर इंडिया में एक ट्रॉफी दौरे पर जाएंगे। मुंबई से शुरू होने पर नई किक्स पुणे, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और दिल्ली NCR को कवर करेगी। इंडिया में निशान आईसीसी एसोसिएशन और ट्रॉफी टूर के बारे में बात करते हुए निशान इंडिया ऑपरेशंस के अध्यक्ष थॉमस कोहल ने कहा कि इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक खेल ही नहीं है, ये इससे भी कहीं ज़्यादा है। हम इस खेल का एक अभिन्न हिस्सा होने पर गर्व महसूस करते हैं, जो देश को एकजुट करता है। कार को बतौर फीचर्स देखा जाए तो यह एक शानदार SUV साबित हो सकती है। कार में वी मोशन ग्रिल, LED DRLs के साथ लगे प्रोजेक्टर हैंड लैंप इसके एक्सटीरियर को जहां बेहतरीन बनाते हैं, वहीं इसमें लगे 17 इंच के 5 स्पोक एलॉय व्हील्स, पावर्ड URBMS और हाई ग्राउंड क्लियरेंस इसे एक बढ़िया SUV के तौर पर पेश करते हैं। निशान किक्स के डायमेंशंस की बात करें तो इसकी लंबाई 4.3 मीटर, चौड़ाई 1.8 मीटर और ऊंचाई 1.6 मीटर है। निशान किक्स 5-सीटर SUV के तौर पर आएगी, जिसमें कार के चारों कोने पर 4 कैमरे लगाए गए हैं। बात करें इसके इंजन की तो कार के पेट्रोल और डीजल दोनों वर्जन में अवेलेबिलिटी होने की संभावना है। किक्स के पेट्रोल वर्जन में 1.5 लीटर का इंजन दिया जाएगा, जो कि 105 BHP की पावर और 142 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। वहीं इसके डीजल वर्जन में 1.5 लीटर का इंजन दिया जाएगा, जो BHP 108 की पावर और 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। कार के पेट्रोल को 5 स्पीड मैनुअल और CVT गियरबॉक्स ट्रांसमिशन से लैस किया जाएगा और डीजल इंजन में 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। इंडिया में अपने वाहन उतारने के बाद से अब तक निशान को औसत रिस्पॉन्स से ही काम चलाना पड़ा है। तो ये कार लॉन्च होगी वर्ल्ड कप के टाइम पर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब पहले से ही कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं हमें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।